कोलकाता में डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है और कोलकाता पहुंच चुकी है सीबीआई की टीम। सीबीआई अधिकारियों की ये टीम कोलकाता में है इस वक्त और इस टीम के साथ फॉरेंसिक और मेडिकल एक्सपर्ट्स भी हैं। ये टीम कोलकाता में घटनास्थल पर जा रही है और सबूत इकट्ठा करने की यहाँ पर वो कोशिश करेगी। कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में दाखिल एक याचिका की सुनवाई करते हुए अस्पताल प्रशासन को फटकार भी लगाई थी और उसे संवेदनहीन बताया था। कोर्ट ने सवाल उठाया है कि प्रिंसिपल को कैसे इतनी जल्दी दूसरी जगह नियुक्त कर दिया गया। साथ ही ये भी सवाल किया कि अस्पताल प्रशासन ने खुद क्यों नहीं इस मामले में केस दर्ज किया। महिला डॉक्टर की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई, रेप किया गया, देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। हालांकि कुछ देर पहले रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल अपनी वापस लेने का ऐलान भी किया है। इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कोलकाता से हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। याचिका के घटना के बाद इस मामले की जांच को सीबीआई के हाथ सौंपी गई है, लेकिन इसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी उस पर सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि सीबीआई को अगले हियरिंग में रिपोर्ट फाइल करना है कि कहां तक इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा है। और इसमें सीबीआई को 3 हफ्ता के टाइम दिए गए हैं, 3 वीक्स में सीबीआई को अगले जो ये है नेक्स्ट हियरिंग है उसमें रिपोर्ट सौंपनी पड़ेगी कि कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े हैं। क्यों ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास दिया गया, इसमें 2-3 चीज़ें हाईकोर्ट ने ज़रूर सवाल उठाया। एक सवाल ये है कि क्यों पहले इस मामले में यूडी केस रजिस्टर किया गया है, यानी कि अननेचुरल डेथ रजिस्टर किया गया है, जिसे इस स्थिति में रजिस्टर किया जाता है जहां पे कोई कंप्लेंट नहीं रहता या बॉडी की पहचान नहीं हो पाती या कोई आगे सामने आकर नहीं कहते हैं कि ये हमारे किसी परिजन का है, नॉन क्लेम्ड बॉडी। इसमें इस सब में यूडी केस रजिस्टर होके आगे इसकी जांच होती रहती है। लेकिन यहाँ पर एक छात्र जो वहाँ पे थे, अस्पताल में थे और जिनकी साथ इस तरीके से बेरहमी से एक उनकी हत्या की गई है सेक्सुअल असॉल्ट के बाद, इसमें हाईकोर्ट को लग रहा था कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को ही पहले ही ये आपका जो है कंप्लेंट फाइल करना चाहिए था। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे नहीं किया और ये एक बहुत ही बड़ी लापरवाही थी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और पुलिस का यूडी केस रजिस्टर करना कहीं जगहों से शक का एक जो है माहौल तैयार किए हैं। और शक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है इसमें कुछ छिपाने की कोशिश किया गया है यूडी केस रजिस्टर करके। दूसरी बात जो हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए इसमें एविडेंस टैम्पर होने की संभावना है और क्योंकि जो विक्टिम है उनके पेरेंट्स ये मांग रखी है कोर्ट में कि कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो, तो कोर्ट ने ये जांच अब सीबीआई को सौंपी है। लेकिन अभी भी कई जगहों पे जो प्रदर्शन है मेडिकल छात्र का वो चल रहे हैं और कहीं जगहों पे जो हमें पता चला है कि आज भी प्रदर्शन होने वाले हैं, आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भी आज प्रदर्शन होने वाले हैं। और आज मध्यरात को जब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे होगा तब कहीं महिलाएं कई जगहों पर कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर सड़कों पे उतरेंगे ये बताने के लिए कि उन्हें रात को भी सेफ होनी चाहिए हर स्थिति में, और ये एक बेसिक सिक्योरिटी का डिमांड है और इसीलिए यहाँ पे आज भी प्रोटेस्ट और प्रदर्शन प्लान किए गए। हालांकि सीबीआई टीम आज आरजी कौर अस्पताल पहुँच सकते हैं पूरा जगह का जो है एरिया का जायज़ा लेने के लिए और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए।